हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे, ये एक 300 वाट का डीसी टू डीसी स्टेप डाउन बक कन्वर्टर है। तो काफ़ी बार जो है इस वाले बक कन्वर्टर को जो है हम जैसे इसका आउटपुट यहाँ पर लेने के लिए इस प्रकार से जो यहाँ पर दो हमको ट्रिमर दिख रहे हैं दोस्तों, तो इसको हम जैसे ही घुमाते हैं तो इससे जो वोल्टेज और करंट यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन कई बार जो है यहाँ से आउटपुट में हमें जो है यहाँ पर इसको घुमाने पर भी हमको यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इस वाले फॉल्ट को आज हम इस वाले वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों कई बार जो है लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो है ये हमें नहीं मिल पाता है, तो इसके जगह हम जो है यहाँ पर ऑप्शनल जो है ये देख पा रहे दोस्तों। यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से जो पोटेंशियोमीटर है ये इजीली हमको लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाता है, काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। तो इस वाले पोटेंशियोमीटर को जो है हम यहाँ पर इसके साथ में रिप्लेस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वाली बक कन्वर्टर के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है, सारा कुछ कनेक्शंस वगैरह किस तरीके से वर्क करता है, तो इस पर मैंने डिटेल्स में जो ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ ऊपर आपको आई बटन में इसका वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था इस तरीके से जो है लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जो है हमें जो इजीली जो इस प्रकार से ये वाली जो पोटेंशियोमीटर है ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, जो कि इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम रहता है, 5 रुपये में ये जो है ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है हम इस वाले पोटेंशियोमीटर को रिप्लेस करेंगे, लेकिन जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने इसका वैल्यू यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे 3296 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ऊपर की साइड जैसे हम देखेंगे, मैं आपको एक बार जूम कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो देख सकते W103 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो इसका जो वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये 10K इसका वैल्यू निकल कर आ जाता है। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर जो 10K वैल्यू का हमें यहाँ पर इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे यहाँ पर ये सिंगल में है और यहाँ पर ये डबल में है, देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 पिन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहे तो इस वाला अगर आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप इस वाले को भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वैल्यू दिख रही है तो हमको यहाँ पर 100K के जगह पर यहाँ पर हमको 10K का लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो है मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे इस प्रकार से मैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ऑन ऑफ वाला सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम यूज़ में नहीं लेने वाले, हम जो है सिर्फ इसी का यूज़ करने वाले। आप सिर्फ कोई भी पोटेंशियोमीटर परचेस करते वक्त सिर्फ 10K का लेना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों अभी हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे से ऑर्डर किया गया है, 3 पिन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर 3 पिन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो है अभी हम इन सारे से ऑर्डर्स को अभी हटा लेते हैं और इसके बाद इन वाले पोटेंशियोमीटर को जो है हम बाहर की तरफ निकाल कर उसको साइड में रख लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने अभी जो है इस प्रकार से इस वाले पोटेंशियोमीटर को अलग कर लिया है। तो अभी हम जो रिप्लेस करने वाले तो इस वाले पोटेंशियोमीटर को ले लेते हैं और यहाँ पर 3 पिन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम रिबन वायर का यूज़ करेंगे, ये देखिए दोस्तों आप चाहे तो कोई अदर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 वायर्स की हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है हमें सिंपल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 3 वायर को सॉल्डर कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हमें जो है इन दोनों पोटेंशियोमीटर के साथ में वायर को सॉल्डर कर लेना है। और इसके बाद देखिए जैसा कि यहाँ पर हमको एक पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पर 3 सॉल्डर करने की जगह दिख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। तो इन जगह पर जो है हमें कुछ इस प्रकार से वायर्स को सॉल्डर कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों वायर्स को जो है अभी हम यहाँ पर सॉल्डर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें सॉल्डर कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी ये रेडी हो चुका है। तो अब बात आती है दोस्तों ये वर्क भी करता है नहीं, तो इसके लिए भी हम टेस्टिंग लेंगे। लेकिन दोस्तों टेस्टिंग लेने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पावर सप्लाई ले लिया है, ये देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर है। तो इसके साथ में हमें यहाँ पर इसको कनेक्शन करना होगा और साथ ही साथ यहाँ पर हमको इसका
रीडिंग जो है शो करने के लिए कुछ इस प्रकार से हमें एक वोल्टमीटर प्लस एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके भी साथ में हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो दोस्तों सारा कुछ अगर मैं कनेक्शन डिटेल्स में करते बैठूँगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इसका कनेक्शन नहीं पता है तो आप जो है ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है सारा कुछ कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अभी प्रॉपर इसको रख भी ले लिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर जो है हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको पावर सप्लाई यहाँ पर हमने दे दिया है। और यहाँ से जो हमने कुछ इस प्रकार से ये वोल्टमीटर प्लस एमीटर को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है। और इसको जो चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम 9 वोल्ट बैटरी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज में होगा, जिससे जो है हमारा ये जो वोल्टमीटर है ये ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कुछ इस प्रकार से 9 वोल्ट बैटरी का यहाँ पर यूज़ किया है। तो सबसे पहले अभी हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो है ये ऑन हो चुका है। और इसके बाद देखिए अभी हम इसको ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बार जूम कर बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों 31 यहाँ पर हमको शो कर रहा है। और ये जो दो पोटेंशियोमीटर हमने अभी यहाँ पर रिप्लेस कर लिया था, तो एक बार हम इसको घुमाकर देख लेते हैं। तो ये वाला दोस्तों एक करंट का है, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज कितना यहाँ पर डाउन हो गया है। ये देखिए यहाँ पर अभी जो है 1.3 वोल्ट यहाँ पर हमको शो कर रहा है। तो अभी जैसे ही हम इसको यहाँ पर घुमाना स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर इसका वोल्टेज जो है अभी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका वोल्टेज अभी बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, तो अभी हमने यहाँ पर जितना इनपुट दिया था इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमको आउटपुट मिल रहा है। यानी कि दोस्तों ये देख सकते हैं लगभग यहाँ पर जो है 32 वोल्ट यहाँ पर हमको आउटपुट मिल रहा है। मैं फिर से आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, तो देख सकते हैं वोल्टेज जो है 1.3 वोल्ट हो गया। तो जैसे अभी हम इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो इसका वोल्टेज भी यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी दोस्तों ये जो पोटेंशियोमीटर हमने यहाँ पर रिप्लेस कर लिया है, तो इससे जो है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अभी बात करते हैं इसका करंट वाला पोटेंशियोमीटर चेक करने की। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है इसके आउटपुट के जो दो वायर्स हैं यहाँ पर हम इसको आपस में शॉर्ट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पर हमको स्पार्क दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों 0.2 एम्पीयर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर करंट भी अभी देख सकते हैं 8.5 एम्पीयर यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे अभी इसका पोटेंशियोमीटर हम घुमा लेते हैं तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर ये डाउन होगी, इसका जो एम्पेयर है यहाँ पर डाउन हो गया है। तो यानी कि दोस्तों इसका जो एम्पेयर वाला भी देख सकते हैं जो पोटेंशियोमीटर है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये देखिए दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर मॉडल में जो यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर रेड लाइट में ये जल चुका है। यानी कि देख सकते हैं शॉर्ट किया है हमने यहाँ पर, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो रेड वायर में ये चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इस वाले पोटेंशियोमीटर को ख़राब होने पर हमने इस वाले पोटेंशियोमीटर को यूज़ में ले लिया है, जो कि यहाँ पर प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। तो दोस्तों आप भी जो है इसको आसानी से घर पर रिप्लेस कर सकते हैं और इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है गुड बाय।